नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ इंग्लिश की बुक प्रथम चैप्टर द फन दे हैड। कहानी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसकी समरी देख लेते हैं। ये कहानी शुरू होती है मार्गी और टामी नाम के दो बच्चों से, जो कि भविष्य में आधारित है, जहां पर कंप्यूटर हर चीज़ पर हावी होता है। इसके अलावा यह भी पता चलता है कि स्कूल और कक्षाओं की अवधारणा पूरी तरह से बदल चुकी है। ये कहानी 2157 की है और मार्गी अपनी डायरी में लिख रही होती है कि टामी को एक किताब मिलती है। जब वो छोटा सा था तो ये किताब जो है उसके दादा ने दी थी। मार्गी इस बारे में जानती है कि कैसे वो पेपर पर लिखते थे, कहानियों को प्रिंट करने का उपयोग किया जाता था, इसके अलावा किताब को कैसे पलटते थे, सारी चीज़ें जब ये सुन रही थी या देखी थी, जानकारी उसको मिली इसके बारे में, तो सारी चीज़ें उसके लिए मजाकिया लग रही थी। बिल्कुल मजाक के अंदाज में उसको हंसे जा रही थी। रिजा हंसने का ये था कि आज जैसे हम प्रेजेंट टाइम में हम बुक्स में पढ़ते हैं, हमारे पास स्टैंड वर्ड होते हैं बुक्स में, पर देखा जाए तो इस टाइम में जब मार्की के टाइम की बात करते हैं, भविष्य में 2157 के टाइम के बारे में हम बात करते हैं, तो इस टाइम में जो उनके पास बुक नहीं होती, पढ़ने का सिर्फ एक ही साधन होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम, रोबोटिक टीचर, मूविंग टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें जो है इनके लिए आज के टाइम में टीचर का काम करते हैं। लेकिन आज अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन की देखते हैं तो आज हमारे यहाँ स्कूल होते हैं, स्कूल में वास्तविक शिक्षक होते हैं, ये चीज़ें उसके लिए आश्चर्यजनक थी। इसके अलावा वह कई कारणों से स्कूल को नापसंद करती थी, क्योंकि उसका नापसंद करने का रीज़न यह था कि जिस स्कूल में पढ़ती थी उसका कोई सहपाठी नहीं था, वास्तव में उस पर टाइम भी, खेलने के लिए मैदान भी, आज कुछ भी नहीं था। मार्गी और टामी एक आभासी कक्षा में पढ़ते हैं, उनके पास शिक्षा के रूप में एक रोबोट होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका स्कूल जो है उसके बेडरूम में ही है, और उस बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसा कि पेज में शो कर रहे हैं, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम, रोबोटिक टीचर, मूविंग टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हैं, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उन्हें सब कुछ सिखाता है। जब मार्गी पहले वाले के बारे में जानने के बाद अपने स्कूल में जाती है तो वो हैरान होने लगती है। जब वो पढ़ाई करना शुरू करती तो वो मदद नहीं कर सकती, लेकिन पहले के दिनों के बारे में सोचती है कि पहले के दिनों में टाइम में लोग एक दूसरे का होमवर्क पूरा कराते थे, दूसरे को नोटबुक शेयर करते थे, खेलने का टाइम होता था हम सबके पास, सारी चीज़ें हुआ करती थी, ये सारी चीज़ें वो सोचती है। तो मार्गी अपने दादा दादी के साथ मौज मस्ती करने के बारे में, दिनों के बारे में सोचती है। वो ये भी कल्पना करती है कुछ टाइम में बच्चे मोहल्लों में कैसे खेला करते थे। इन सब सारी चीज़ों के अलावा लास्ट में यही कह सकते हैं कि वो सारी बातों को सोच करके वो खुश रहती है। बस यही कहानी में दिखाया गया है। आइए हम देखते हैं कहानी के, स्टार्टिंग करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी उस रात डायरी में लिख रही थी। ऑन द पेज हीडेड, स्टार्टिंग में पेज में ही 17 मई 2157, ये कहानी 17 मई 2157 की है। सी रोट, वो लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि टॉमी को आज एक वास्तविक किताब मिली है। वास्तविक किताब मतलब, क्योंकि जैसा आज इनके पास कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर की चीज़ें हैं, रोबोटिक है, कंप्यूटर स्क्रीन है, सारी चीज़ें रोबोट मॉडर्न टाइम के उसके अनुसार थी, पर रियल बुक मतलब कि आज के टाइम में जैसा प्रेजेंट टाइम में हमारे पास हम लोग बुक पढ़ते हैं, वैसी सारी उस तरीके की उसको एक किताब मिलती है। इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक, जो बुक पाता है टॉमी वो बहुत ही पुरानी थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वन सेड, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार बताया था, दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वो छोटा सा लड़का था, मीन्स उसके दादा जब छोटे थे, तब उनके दादाजी ने, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तब उसे बताया था, दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, तब उनको बताया था कि सारी कहानियाँ जो हैं पेपर पर प्रिंट की जाती थी। दे टर्न द पेज, वो पेज को मोड़ते थे, व्हिच वर येलो, वो येलो पड़ गई थी, मीन्स की पुरानी किताब थी। आज के प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं तो कहानी लगभग 100+ की है, 130 ईयर के आस समथिंग के आसपास, 136 ईयर की है। तो इस टाइम में किताब जो थी बिल्कुल पीली पड़ गई थी, और उसके जो पेज थे वो क्रिंकली हो गए थे। क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स होता है जैसे आपको कोई पेज लो हाथ में, उसके बाद पूरा उसको निचोड़ देते हो, तो उसके बाद उसमें तरह तरह के मोड़ आ जाते हैं, फोल्ड्स हो जाते हैं, लाइनिंग बन जाती है, उसी को बोलते हैं क्रिंकली।
तो उसमें बिल्कुल मोड़ से बन गए थे, बेकार सा हो गया था वो पेज। एंड इट वॉज ऑफली, वो बहुत ही उनके लिए ऑफली फनी था, वो थी उनके लिए मजाकिया था टू रीड वर्ड्स, उन शब्दों को पढ़ने का, दैट स्टूल स्टेड इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। तुम्हें मालूम है ना कि ये चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मजाकिया लग रही थी। मजाकिया लगने का रीज़न क्या था कि जो उनकी स्क्रीन पर जो टेक्स्ट होते हैं, जो वर्ड होते हैं, वो मूविंग करते हैं, लेकिन आज के टाइम की जो बुक थी जो उसको जिसको उसने पाया है, तो वो पूरे के पूरे उसमें जो अक्षर हैं, वो जो शब्द हैं, वो सारे के सारे एक जगह पर स्टैंड हैं, वो मूविंग नहीं कर रहे थे, इसलिए वो सारी चीज़ें उसको मजाकिया लग रही थी। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट, जब वो पेज को टर्न करते हैं तो उस पर भी उसी प्रकार के अक्षर रहते हैं, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जैसा उन्होंने पहले पढ़ा उसी तरीके से दूसरे पेज पर भी अक्षर जो शब्द थे वो बिल्कुल स्टैंड फॉर्म में थे, वो मूविंग नहीं कर रहे थे। पॉइंट नंबर टू देखते हैं। गी सेड टॉमी, गी वर्ड होता है, गी मीन्स होता है किसी चीज़ को तिरस्कार पूर्वक करना, मीन्स कि बिल्कुल छी जिसको बोलते हैं हम, गी सेड टॉमी, टॉमी ने उसको तिरस्कार पूर्वक तरीके से यहाँ पर बोला है, व्हाट अ बेस्ट, क्या बेकार की चीज़ है, व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब तुम बुक से पढ़ते हो ये सारी चीज़ें बेकार है, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम्हें इसको फेंक देना चाहिए, आई यूज, मुझे लगता है कि सारी चीज़ें बेकार की है, इसको फेंक देना चाहिए। Our television screen must have had a million books. Our television, जो हमारे television का screen है, अर्थात जो उसके पास computer है, जो present time उनके अनुसार का present time, जो उनके पास desktop monitor है running mode में है, had a million books. उनके पास बहुत सारी लाखों किताबें हैं on it उसमें, and it is good for plenty more. Plenty means होता है बहुत ही ज़्यादा, मीन्स उसके पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किताबें थी। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और इसको हम लोग फेंक भी नहीं सकते हैं, जैसा कि आज हमारे पास होता है कि हम एक क्लास से दूसरी क्लास पर प्रमोट होते हैं, जैसे आप लास्ट टाइम में क्लास 8 थे, आप प्रमोट हुए 9th में आए, तो सारी किताबें आप किसी फ्रेंड को शेयर कर देते हो, या फिर इधर उधर बिखर जाती किताबें, लेकिन जो आज उस टाइम में 2157 की बात की जाए, तो सारी किताबें जो हैं, मिलियन किताबें जो हैं, उसमें कंप्यूटर की स्क्रीन में पड़ी होती हैं, तो उसको वो लोग फेंक भी नहीं सकते हैं। सेम विद माइन, यही मेरे साथ है, सेड मार्गी, मार्गी ने भी कहा यही मेरे साथ है। सी वाज 11, बात करते हैं मार्गी की एज की, तो सी वाज 11, वो 11 ईयर की थी, मीन्स 11 साल की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, जैसा कि टॉमी ने जितनी किताबें देखी थी, टेली बुक्स मतलब जो आप बुक पढ़ते हो वो टेली बुक्स नहीं है, वो प्रिंटेड फॉर्म में है, जो कंप्यूटर की बुक्स थी वो टेली बुक्स कहेंगे उसको हम, तो उसने टॉमी ने जितनी किताबें देखी थी, टेली बुक्स देखी थी, उतना उसने अभी तक नहीं देखी थी। ही वाज 13, उसकी उम्र क्या थी, 13। बात की जाए मार्गी की एज की, तो मार्गी 11 साल की थी और टॉमी की बात करते हैं तो टॉमी 13 ईयर का था, 2 साल का डिफरेंस दोनों के बीच में। सी सेट वेयर डिड यू फाइंड इट, तब उसने उसे पूछा कि तुमने इस किताब को पाया कहाँ पर है। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक व्हाट इज अबाउट इट स्कूल। इन माई हाउस, तब उसने पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए, पॉइंट मतलब होता है इशारा करते हुए, विदाउट लुकिंग, बिना उसकी तरफ देखे हुए उसने इशारा करते हुए बताया कि वो किताब को इन माई हाउस अपने घर में पाया, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था इसलिए उसने खाली इशारा कर दिया, और इशारा किया फिंगर उठा करके, इशारा किया और इशारा किया किधर को, इन द एटिक, एटिक मीन्स होता है जैसे घर में कमरे में एक छज्जा होता है निकला होता है, तो उसी को बोलते हैं एटिक, तो बताया कि एटिक पे बुक पड़ी थी, वहीं हमने उसको पाया। व्हाट इज़ अबाउट इट, ये किस चीज़ के बारे में है, उसने पूछा, तो आंसर मिला क्या, स्कूल के बारे में, मीन्स की जो बुक है वो किसके बारे में है, तो पता लगा उनको स्कूल के बारे में। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। मार्गी वाज स्कॉर्नफुली, स्कॉर्नफुल मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप नेगेटिव तरीके से देखना, मीन्स की एकदम बेकार, स्कॉर्नफुल मीन्स होता है वर्डलेस। मार्गी वाज स्कॉर्न फॉर स्कूल, उसने बिल्कुल तिरस्कार तरीके से बोला, स्कूल, स्कूल क्या होता है, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के बारे में क्या है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, जब उसने आज स्कूल के बारे में सुना, जब उसको आज स्कूल के बारे में जानकारी मिली, तो उसको उसके अंदर जो घृणा थी स्कूल के प्रति वो और भी ज़्यादा बढ़ गई आज।
द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर मीन्स उसका जो कंप्यूटर था, रोबोटिक टीचर, कंप्यूटर जो था उसका, जो उसकी स्क्रीन थी, वो गिविंग, वो दे रहा था हर उसको टेस्ट आफ्टर टेस्ट, एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट उससे दे रहा था इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मीन्स भूगोल में. एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वर्स बैड की कंपेरेटिव डिग्री होता है, बुरा और बुरे से बुरा से बुरा, मीन्स कि वो बुरा से बुरा परफॉर्म कर रही थी. अंटिल हर मदर, तब उसकी माता ने हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली दुखी पूर्वक, सॉरोफुली मीन्स होता है दुखी पूर्वक, सेकेंड मीन्स हिला देना, एंड सेंट मतलब वो थोड़ा सा दुखी हुई कि हमारी बच्ची जो है वो बेकार से बेकार परफॉर्मेंस कर रही है, तो उसने सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. काउंटी इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो आज जैसे हमारे यहाँ फिजिकली टीचर होते हैं तो उस टाइम में उस रनिंग कंप्यूटर को सुधारने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर की जरूरत होती है. काउंटी इंस्पेक्टर उसे कहते हैं जो टेक्निकल चीज़ों को चेंज करता है, उसको बनाता है, उसको रिपेयर करता है. तो उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया. पॉइंट नंबर फोर देखते हैं. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन. काउंटी इंस्पेक्टर की बात की जाए तो वो छोटा सा आदमी था, राउंड गोल मटोल तरीके से था, विद अ रेड फेस, उसका चेहरा जो था लाल था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और वो जो बॉक्स लेकर के आया था उस टूल्स से भरा था, टूल्स मीन्स होता औजार, विद डायल्स, उसमें डायल्स थे वायर्स थे. सी स्माइल, जब वो आया घर पे तो उसने मार्गी को जब देखा तो मार्गी को देख करके वो मुस्कराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक एप्पल दिया खाने के लिए. देन टुक द टीचर अपार्ट, तब उसने टीचर को मीन्स कि उसके कंप्यूटर को अपार्ट कर दिया. अपार्ट मीन्स होता है खोल देना, बिल्कुल उसको अलग अलग कर दिया. मार्गी हैड होप्ड, तब मार्गी ने उम्मीद की उस टाइम में जब मार्गी को दे दिया एप्पल खाने को, बोला कि तुम एप्पल खाओ, मैं इसको सुधार रहा हूँ तब तक. तब मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ने उम्मीद की, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, शायद वो जिसने आज अभी कंप्यूटर को खोल दिया है तो वो शायद अब कंप्यूटर को दोबारा एक साथ नहीं जोड़ पाएगा, मीन्स उसके पार्ट्स अलग अलग हो गए हैं, अब वो एक साथ नहीं हो पाएगा. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से जानता था. एंड आफ्टर एन आर आर सो, लगभग एक घंटे के बाद या फिर थोड़ा सा और ज़्यादा, देयर इट वॉज अगेन, और ये पुनः से फिर बन गया. अब कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर दिखाने जा रहा है, लार्ज, बड़ा सा, एंड ब्लैक एंड अगली, बिल्कुल काला और भद्दे जैसा आकार का बना था कंप्यूटर जो था वो, बिल्कुल विद ए बिग स्क्रीन, जिस पर बड़ी सी स्क्रीन थी, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, जिस पर सारे लेसन शो किए जाते थे, दिखाए जाते थे, और जो क्वेश्चन पूछे जाते थे. एक बार वो कंप्यूटर जो था वो फिर से रिपेयर हो गया. दैट वॉज नॉट सो बैड, ये बहुत बुरा नहीं था. द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस पार्ट से मार्गी घृणा करती थी, मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क. कंप्यूटर का एक पार्ट होता है स्लॉट, स्लॉट मीन्स एक ऐसी जगह जो थोड़ा सा स्पेस रखा जाता है टाइम के लिए या उसकी दशा के लिए. वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पर अपने होमवर्क को रखती थी, एंड टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर को रखती थी, उसी चीज़ से थोड़ा घृणा करती थी. सी ऑलवेज हैड टू राइट, वो हमेशा लिखती थी देम आउट इन अ पंच कोड. पंचकोट एक लैंग्वेज होती है, जैसे जावा प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, इस तरीके से एक पंचकोट एक लैंग्वेज होती है, वो उसको उस भाषा में लिखती थी. ध्यान रखना कि कंप्यूटर जो होता है सिर्फ बाइनरी सिस्टम को समझता है जो जीरो और वन होता है. पंचकोट में लिखती थी दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 ईयर ओल्ड, और जब वो 6 साल की थी तभी से उसने पंचकोट भाषा सीख ली थी. एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर है, कैलकुलेटर द मार्स इन नो टाइम, बिना कोई समय गंवाए मैकेनिकल टीचर अर्थात जो कंप्यूटर था उसका, वो बहुत ही जल्दी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन होता था वो उसको बहुत ही जल्दी वो कैलकुलेट कर लेता था, जोड़ लेता था. पॉइंट नंबर 5 देखते हैं. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. द इंस्पेक्टर जो था मीन्स की जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था, जो रिपेयर करने आया था, हैड स्माइल्ड आफ्टर, जब उसको कंप्यूटर को रिपेयर कर दिया उसके बाद वो फिर से स्माइल किया, मुस्कराया. ही हैड फिनिश्ड, जब उसने उसको फिनिश कर दिया था, एंड पैटेड, पैटेड मीन्स होता थपथपाना, मार्गीज हेड, मार्गी के सिर पर उसने थपकी मारी. ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माता से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें इस लड़की की कोई भी गलती नहीं है, फॉल्ट में गलती, मिसेज जोन्स
उसकी माता का नाम था, उसने उसकी माता से बोला, मिसेज जॉन्स, इसमें इस लड़की की, मिस की मार्की की कोई गलती नहीं थी। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर, जो ज्योग्राफी का भाग है, वाज गियर्ड, गियर्ड मीन्स होता है एक तरीके से एडजस्ट करना अपने आप को अपने अनुसार, अपने लेवल के अनुसार वो उसने गियर्ड कर लिया था। अ लिटिल टू क्विक, बहुत ही जल्दी जल्दी वो सारी चीज़ें देने लगा था। क्विक मीन्स होता है जल्दी जल्दी। Those things happen sometimes, जो चीज़ें कभी कभी हो जाती, जैसे मोबाइल आज आपके टाइम में हैंग करता है, उस तरीके से वो कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग कर रहा था, इससे टेस्ट पर टेस्ट आपने ऑटोमेटिक आए जा रहे थे और उसी वजह से उस लड़की को प्रॉब्लम हो रही थी। आई हैव स्लोव्ड इट अप, मैंने इसको थोड़ा स्लो कर दिया है, टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, एक 10 साल की लड़की के एज के लेवल के बराबर में हमने उसको एवरेज में ला दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वास्तव में उसका जो ओवरऑल पैटर्न देखा जाए, उसकी प्रोग्रेस का, उसके विकास का, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो संतोषजनक है। सेटिस्फैक्ट्री मीन्स होता है संतोषजनक। एंड ही पैटेड मार्की हेड अगेन, और इस बार फिर उसने मार्की के सिर को पैटेड कर दिया, फिर से दोबारा उसने थपथपा दिया। मार्की वाज डिसअपॉइंटेड, मार्की थोड़ा बहुत निराश हुई, डिसअपॉइंट मीन्स होता है निराश होना। सी हैड बीन होपिंग, वो ये उम्मीद कर रही थी दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसने ये सोचा था कि वो ऑल टुगेदर मीन्स होता है अपने साथ ले जाना, तो उसने ये सोचा था कि वो टीचर को लेकर के जाएगा, टीचर मीन्स कंप्यूटर को अपने साथ लेकर के जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैज ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि एक बार उसके यहाँ एक और इवेंट हुआ था कि टॉमी का जो टीचर था, मीन्स की जो टॉमी का कंप्यूटर था, वो एक बार थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा था, जिसकी वजह से हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो ब्लैंक हो जा रहा था, आउट हो जा रहा था उससे पूरी तरीके से, इसलिए उसको वो लेकर के चला गया था, और लगभग 1 महीने लगे थे उसको बनने में, तब तक टॉमी ने पूरा आराम किया होगा। इसलिए आज इसको थोड़ा निराशा इस बात की हुई है कि काश अगर ये साथ में टीचर को अपने साथ लेकर के जाता, कंप्यूटर को अपने साथ लेकर के जाता, तो अब इसको लगभग 2-4 दिन 10 दिन का या महीने भर का उसको आराम मिलता, कोई काम उसको आराम से न करना पड़ता। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी मोर राइट अबाउट स्कूल, वाई वुड एनी मोर, तो क्यों लोग स्कूल के बारे में क्यों लिखते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी तरफ देखा, विद वेरी सुपीरियर आइज, मीन श्रेष्ठ आंखों से उसकी तरफ देखा, सुपीरियर मीन्स होता श्रेष्ठ। बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्कूल में लोग क्यों लिखते थे, तो अब रीजन वो बता रहा है, बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह आज के जैसा हमारा स्कूल है, जिस प्रकार का काइंड में सोता प्रकार, जिस प्रकार से आज हमारा स्कूल है उस प्रकार से स्कूल नहीं हुआ करता था, उसको स्टूपिड बोलता है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये स्कूल पुराने टाइम के हुआ करते थे, पुराने प्रकार से थे, दैट दे हैड 100 and 100 ऑफ ईयर्स अगो, जो लगभग सैकड़ों वर्ष पहले थे। ही एडेड लॉक्टली, लॉक्टली मीन्स होता है किसी चीज़ को थोड़ा बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बताया जाए, सुपीरियर तरीके से, लॉक्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, थोड़ा उसने बढ़ा चढ़ा करके एक प्रोनाउंस करते हुए बोला, सेंचुरीज अगो, मीन्स कुछ बोलने का अंदाज ऐसा, मतलब शताब्दियों साल पहले, शताब्दियों वर्ष पहले, इस तरीके से। मार्की वाज हर्ट, मार्की को थोड़ा दुख हुआ, वेल आई डोंट नो, देखिए यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है जिस तरीके से आज हम प्रेजेंट टाइम में स्कूल में जाते हैं, देखते हैं इस तरीके से स्कूल हुआ करते थे, जैसे आज हम प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं, तो ही उसको थोड़ा बहुत दुख हुआ जब उस जानकारी उसके बारे में मालूम हुआ। वेल आई डोंट नो, लेकिन मैं नहीं जानती व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम, लेकिन मैं नहीं जानता कि उस टाइम में स्कूल कैसे हुआ करते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, सी रीड, उसने उसी कंधे पर बुक को रख करके थोड़ी देर पढ़ा। देन सेड, और फिर पूछा, एनी वे दे हैड ए टीचर, शायद उनके पास टीचर भी हुआ करता था स्कूल में। देखिए आप टीचर देख रहे हैं साफ साफ, श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ निश्चित रूप से उनके पास टीचर होते थे स्कूल में, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन रेगुलर टीचर नहीं थे, जैसे आज के टाइम में हमारे पास हमेशा टीचर रहते हैं, क्योंकि उनका जो टीचर था वो उनके कमरे में ही था, तो इस तरीके से उनके पास रेगुलर टीचर होते थे, लेकिन आज के टाइम अगर प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो इस टाइम में टीचर रेगुलर नहीं होते हैं, अपना काम क्या होता है, जैसे हम लोग स्कूल आते हैं, पढ़ाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं, रेगुलर हमेशा एक जगह पर नहीं रहते हैं। इट वॉज अ मैन, उस टाइम में जो स्कूल में टीचर हुआ करते थे वो इंसान होते थे।
अ मैन, एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन. हाँ, उस टाइम में टीचर होते थे, टीचर इंसान होते थे. ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, वो बच्चों को बताते थे, लड़कों को बताते थे, एंड गर्ल्स और लड़कियों को भी बताते थे थिंग्स, चीज़ों के बारे में. एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क देते थे. एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उसे क्वेश्चन भी पूछते थे. सेवन नंबर देखते हैं. अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, तब फिर वो सोचती है, एक आदमी इज नॉट स्मार्ट इनफ, इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, वो सोचती इस बारे में. श्योर ही इज, हाँ हो सकता है वो. माई फादर नोज, मेरे पिताजी जानते हैं, एज मच एज माई टीचर, मेरे टीचर के बारे में वो जानते हैं. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. आई बेचा, बेचा मिस होता है शर्त लगाना, कहते नहीं कि शर्त लगाते हैं, हाँ वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो ही बता रहा है, मैं शर्त लगाता हूँ कि मेरे पिताजी जो है टीचर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं. मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, डिस्प्यूट नहीं होता झगड़ा, यस शर्त लगाना. उस टाइम में मार्गी उससे शर्त लगाने के लिए प्रिपेयर नहीं थी, मीन्स असहमत थी, नहीं चाहती थी उसे शर्त लगाए. सी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन, मैं नहीं चाहती, मैं नहीं चाहूँगी कि एक स्ट्रेंज आदमी, एक विचित्र सा आदमी, एक अनजान, स्ट्रेंज मीन्स होता है यहाँ पर अजनबी. स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई एक अनजान आदमी मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, स्क्रीम मीन्स होता है चिल्लाया, विद लाफ्टर खुशी के साथ, बहुत ही खुशी के साथ वो चिल्ला पड़ा. यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो मच, ज़्यादा मार्गी से बोला कि तुम नहीं जानते हो, द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, कि टीचर जो है घर में नहीं रहते हैं. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए एक स्पेशल सी बिल्डिंग होती है. एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, किड्स मीन्स होता है बच्चे, और ऑल द किड्स और सभी बच्चे वेंट देयर वहाँ पर जाते हैं. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज़ें वहाँ पर सीखते हैं, मीन्स कि एक क्लास में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं सारी चीज़ें वो सीखते हैं. श्योर इफ दे वर द सेम एज, निश्चित रूप से वो लगभग लगभग एक हम उम्र के होते हैं. सेम एज मतलब होता है हम उम्र के, एक ही साल का, अगर कोई 9 ईयर का है तो कोई 10 ईयर का है, कोई 9 ईयर का ही है, कोई 9.5 ईयर का है, इस तरीके से मीन्स सेम एज के होते हैं. पॉइंट नंबर 8, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू बी फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी थॉट डिफरेंटली. लेकिन माई मदर से, लेकिन मेरी माता कहती है ए टीचर, एक टीचर को हैज टू बी एडजस्ट टू फिट, उसको फिट होना चाहिए द माइंड, उसके माइंड को आप ईच बॉय, प्रत्येक लड़के के समान और प्रत्येक गर्ल के समान, इट मीन्स कि हर एक लड़के और हर एक लड़की के लिए अलग तरीके से उसके माइंड के अनुसार फिट होना चाहिए. इट टीचेज एंड दैट ईच किड, कि प्रत्येक बच्चा हैड टू बी टॉट डिफरेंटली, कि सारे बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाए. जस्ट द सेम, उसी प्रकार दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इस प्रकार से वो शायद नहीं करते थे. इफ यू डोंट लाइक इट, या तुम इसे ना पसंद करते हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, नहीं नहीं मेरा कहने का मतलब ये नहीं है. मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने बड़ी जल्दी से कहा, नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं है. सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो फनी स्कूल्स के बारे में कुछ और पढ़ना चाहती थी, कुछ ज़्यादा ही चाहती थी पढ़ना, जानना कि उसके अंदर उत्सुकता हो गई थी. दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने अभी आधा फिनिश नहीं किया था बुक को. व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, तभी मार्गी की माता ने बुलाया, मार्गी स्कूल, उसे बुलाया कि स्कूल का टाइम हो गया है. मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा, नॉट एट मम्मा, नहीं अभी नहीं हुआ है. नाउ सेड मिस्टर जोन्स, तब फिर मिसेज जोन्स ने कहा, अब एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी, तो टॉमी के लिए भी टाइम हो चुका है, मीन्स उनके क्लास का टाइम हो गया था. मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस किताब को तुम्हारे साथ, मीन्स कि अपनी क्लास स्कूल समाप्त करने के बाद, क्या मैं इस कहानी को या इस किताब को और थोड़ा बहुत पढ़ सकती हूँ. मे बी, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं. ही सेड नॉनचैलेंटली, नॉनचैलेंटली मीन्स होता है कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया उसके तरफ, विदाउट इंटरेस्ट, नॉनचैलेंटली मीन्स कि बिना इंटरेस्ट के दिया है, हाँ हाँ बिल्कुल तुम पढ़ सकती हो. ही वॉक्ड अवे विसलिंग, वो सीटी बजाते हुए चला गया, विसलिंग मीन्स होता है सीटी बजाना. द डस्टी ओल्ड बुक, डस्टी मीन्स होता है धूल से सनी हुआ,
डस्टी मतलब धूल से सनी हुई, अर्थात पुरानी जो ओल्ड बुक थी, टक्ड विनीत हिसार, उससे टक में था रख देना विनीत हिसार, अपनी आम के नीचे वो रख दिया। मार्गी बेंट इनटू द क्लासरूम, सॉरी स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम चली गई, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बिल्कुल बेडरूम के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर, जो उसका मैकेनिकल टीचर था, वाज ऑन एंड, वो उसका मैकेनिकल टीचर जो था वो ऑन था, मीन्स के रनिंग में था, एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतजार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिवाय सैटरडे और संडे को, मीन्स की सैटरडे और संडे को उनका स्कूल टाइम जो था वो बंद होता था, उसके सिवाय वो हमेशा वो ऑन रहता था और प्रॉपर तरीके से काम करता था। ये देख सकते हैं आप पूरी इमेज, मार्गी के बेडरूम के जस्ट बगल में है ये, और उसका मैकेनिकल टीचर ये परफॉर्म कर रहा है, ये रोबोटिक टीचर हो गया। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माता कहती थी कि अगर आप रेगुलर तरीके से सीखते हो, रेगुलर टाइम से सीखते हो, तो कुछ ज़्यादा अच्छा सीख सकते हो। द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो उसकी स्क्रीन थी लिट अप, लिट अप मीन्स होता है प्रकाशित होना या जलना, जलने का मतलब यहाँ पर जब स्क्रीन देखिए आप लिट अप हो जाती, प्रकाश आता है उसमें से, लिट अप कर रही थी। एंड इट सेड टू डेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, उसने उस टाइम में उसका जो टॉपिक था अर्थमेटिक का था, और अर्थमेटिक में जो टॉपिक था वो फ्रैक्शन का था, फ्रैक्शन का ऐड करने का था, मीन्स कि भिन्नों को जोड़ था। प्लीज इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, तब उसने फिर उसमें से एक कमांड आया कि कृपया करके कल का जो होमवर्क था उसको स्लॉट में डालें। मार्गी डिड सो विथ अ साई, साई में सोता आँ भरना, उसने एक आँ भरी, लंबी सी सांस ली, और उसके बाद उसने वैसा ही काम किया जैसा कंप्यूटर शो कर रहा था। सी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, वो उस टाइम के बारे में सोच रही थी जब उनके दादा के दादा जब छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स फ्राम द होल नेबरहुड, नेबरहुड मीन्स होता है पड़ोस या पड़ोसी जिसे हम बोलते हैं, जो पड़ोस के सारे बच्चे जो थे केम आते थे लाफिंग हंसते थे एंड शाउटिंग और चिल्लाते थे इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के जो स्कूल का एक तरीके से मैदान होता है वहाँ पर आते थे और सब वहाँ पर चिल्लाते थे हंसते थे खेलने आते थे। सिटिंग टुगेदर साथ साथ बैठते थे इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में जब साथ साथ बैठते थे उन सारी चीज़ों को वो याद कर रहे थे। गोइंग होम टुगेदर और साथ साथ वो घर जाते थे एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन की समाप्ति होती थी तो उसके बाद सब सारे के सारे बच्चे अपने घर जाते थे साथ में। दे लर्न द सेम थिंग, वो सारी चीज़ें सीखते थे बराबर चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, जब वो सारे बच्चे एक ही क्लास में बैठ करके जब पढ़ते थे सारी चीज़ें सबको एक ही सिखाई जाती थी, अगर मैथ सिखाया जाता मैथ इंग्लिश सारी चीज़ें सब सिखाया जाता था, तो वो एक दूसरे के होमवर्क में मदद भी करते थे और इसके बारे में बात भी करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और उस टाइम के जो टीचर थे वो लोग हुआ करते थे मीन्स कि इंसान होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग, उस टाइम में फिर उसने स्क्रीन के सामने देखा तो उसका मैकेनिकल जो टीचर था वाज फ्लैशिंग, वो चमक रहा था ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर चमक रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, उसमें लिखा था कि जब हम ऐड करते हैं फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 को जब जोड़ते हैं तो उसका आंसर डॉट डॉट लिख गया है कि आंसर क्या आएगा। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स, मार्गी फिर से सोच रही थी कि उस टाइम में जो किड्स होते थे जो बच्चे होते थे मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों को याद करते थे। सी वाज थिंकिंग अबाउट, अब वो यही सोच रही थी जो भी सारी चीज़ें उसके पास थी, द फन दे हैड, जो उन्होंने आज आनंद लिया जो मज़ा लिया जो चीज़ उसने स्कूल के बारे में सोची वही चीज़ सोच करके वो खुश रह गई। ये कहानी इसाक एसिमोव ने लिखी है, हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।